दहेज की मांग पूरी न होने पर विवाहिता की आंख फोड़ दी गई है। ये आप घटना सुन रहे हैं, मेरठ की है। और यहाँ पर एक विवाहिता को घर से दहेज न लाने के एवज में अपनी आंखें कुर्बान करनी पड़ी। आखिर क्यों हुआ इतना बड़ा हादसा, खुद सुनिए इसी की जुबानी। इसकी आंखें फोड़ दी गई हैं और बताया जा रहा है कि दहेज लोभियों ने यह कारनामा किया है। सुनिए क्या कहती है। क्या नाम है आपका? रूबीना। रूबीना, आपकी शादी कितने दिनों पर? सात हो गए। अच्छा, तो आपने किसने मारपीट की आपके साथ? मेरे हस्बैंड ने भी करी, मेरे जेठों ने भी, मेरे ससुर भी, ये सब थे। क्यों मारपीट की? पैसे मांग रहे थे घर बनाने के लिए, उन्होंने पैसे लेगा घर से। कितने पैसे? 12 लाख रुपए मांग रहे। अच्छा, तो फिर तुमने क्या कहा? मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने मना करा तो मुझे मारा। कितने मारा है? मेरे हस्बैंड ने मारा मुझे, घूस से मेरी आंखों पे बजाया, और मेरे उन्होंने ने भी, जेठों ने भी मारा मुझे, मेरे ससुर ने भी। आपको से क्या दिक्कत आ रही है? मेरी खुली नहीं है, दुखन हो रही बहुत। कब से मारपीट कर रहे हैं? 7 साल हो गए। आपने ये शिकायत पहले पुलिस में की थी? नहीं, अभी तक नहीं की। घर वाले क्या कहते हैं आपके? घर वाले तो कुछ भी नहीं कहते, मैं ही करना आई हूँ बस रिपोर्ट। एक भी नहीं है अभी। क्या करते हैं आप? कैसे बर्नल का काम करते हैं, गैस के नोजल बनाते हैं। शादी के बाद से मारपीट करते हैं जी?